देखिए कितना अच्छा हलवा बनकर तैयार हुआ है। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी लौकी का हलवा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में उतना ही आसान। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी होती है लौकी हमारे स्वास्थ्य के लिए, ये तो आप जानते ही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बनाने के लिए देखिए, हमने लौकी लिया है, हमने इसका छिलका हटा लिया है, ताज़ी लौकी है, बिल्कुल तोड़ कर लेकर आए हम इसे और कट करके इसका छिलका हटा लिया है। तो सबसे पहले हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे कद्दूकस कर लेना है, ऐसे मोटा पतला जैसा भी आप कद्दूकस करना चाहे कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को थोड़ी फास्ट करनी होती है क्योंकि लौकी जो होती है वो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। इस तरह से कद्दूकस करने के बाद लौकी जल्दी से काली पड़ जाती है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा समय तक कद्दूकस करके रखना भी नहीं है। जल्दी से इसे कद्दूकस करके इसका हलवा बना लेना है। तो ऐसे कद्दूकस कर लेते हैं पहले सारी लौकी को। देखिए सारी लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया, इस तरह से लंबे लंबे से इसके लच्छे बना लिए हैं। एक बात और, हमें लौकी के बीज यूज़ नहीं करना है, हमने इसके बीज हटा दिए थे, हमें हलवा के लिए बीज यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से इसका हलवा बना लेते हैं। हलवा बनाने के लिए हमने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे एक बड़े चम्मच घी, शुद्ध देसी घी डाला हमने। घी गर्म हो चुका है तो इसमें डाल देंगे ये जो हमने लौकी कद्दूकस करके रखी है, इसे डाल लेंगे, मिला लेंगे इसे और लौकी को पका लेना, हमें भून लेना है घी में अच्छी तरह से, जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए, लौकी में जो पानी होता है वो ना हट जाए तब तक पका लेंगे घी में से। लगभग 6 से 7 मिनट लगेंगे हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाते हुए। देखिए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है लौकी को भूनते हुए, लौकी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, इसका पानी भी सूख गया है, जो लौकी से पानी निकलता है वो भी सूख चुका है। तो अब हम इसमें दूध मिलाएंगे। ये हमने दूध लिया है आधा कटोरी, मलाई वाला दूध है, इसमें मलाई भी है और दूध भी है, इसे डाल लेंगे, मिला लेंगे सारी चीज़ों को, दूध और लौकी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे दूध के साथ पकने देंगे, लौकी को हमें दूध के साथ पका लेना है। हमने मलाई वाला दूध यूज़ किया है, हमने जो दूध डाला है उसमें मलाई भी थी, जब गर्म करने के बाद उसमें मलाई जमती है ना, वो मलाई भी डाला हमने। आप चाहे तो प्योर दूध भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मावा भी यूज़ कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं आप। हमें दूध डालने के बाद इसे छोड़ना नहीं है, बीच बीच में चलाते रहना है। देखिए दूध के साथ भी लौकी को अच्छी तरह से पका लिया हमने, दूध भी सूख चुका है इसमें। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे, ये हमने आधा कटोरी चीनी लिया है, इसे डाल लेंगे। साथ में ये हमने लौंग और इलायची का पाउडर लिया, इसे डाल लेंगे, मिला लेते हैं। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा भी आप मीठा या कम मीठा खाना पसंद करते हैं, मिला लेंगे और चीनी के साथ अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। देखिए चीनी पिघलना शुरू हो गई है, ये फिर से गीला हो गया है चीनी के पिघलने के बाद, तो इसे चीनी के साथ अच्छी तरह से पका लेना है। देखिए चीनी पूरी तरह से पिघल गई है, तो अब इसे पकने देते हैं। इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट लग जाता है हमें लौकी का हलवा बनाने में। इस तरह से हलवा बनाइए आप, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है और इस हलवे को आप व्रत में भी खा सकते हैं। जिन चीज़ों के साथ हमने इसे बनाया है इसे आप व्रत में भी आसानी से खा सकते हैं, हेल्दी तो होता ही है, साथ में टेस्टी भी बहुत होता है ये हलवा और बहुत इजी रेसिपी है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। देखिए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं चीनी के साथ हलवा को पकते हुए, लौकी को पकते हुए, चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, पिघल चुकी है और हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने काजू लिए हैं, इस तरह से डाल लेते हैं, साथ में थोड़े बादाम लिए हमने, इन्हें भी डाल लेंगे, थोड़ा किशमिश लिया है इसे भी डाल लेंगे, मिला लेते हैं सारी चीज़ों को, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, मिला लेंगे एक बार और चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। देखिए कितना अच्छा हलवा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हलवा बना है, सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी लौकी का हलवा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में उतना ही आसान। गार्निश करते हैं काजू से, कटे हुए बादाम और थोड़ा सा किशमिश। तो लीजिए तैयार है बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी लौकी का हलवा।
खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में उतना ही आसान। तो लौकी का हलवा मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिए, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते एक नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।